हाजिर हैं हिंदुस्तान न्यूज चैनल में। मैं कमलजीत सिंह। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। वो ऐसा टॉपिक है जो हरियाणा में और खास तौर पे कुरुक्षेत्र में अब जो गांव के लेडीज़ हैं या लेडीज़ के साथ जेंट्स भी हैं वो इस टॉपिक पे खुल के सामने नहीं आते। जी हाँ, हम बात करेंगे आज ब्रेस्ट कैंसर की। ये जो बीमारी है बहुत ही लोगों में फैल रही है और इसके लक्षण सामान्यतः स्टार्टिंग में पता नहीं लगते और कई लोग शर्म के मारे खुल के सामने भी नहीं आते। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सलोनी जो यहाँ ब्रेस्ट कैंसर विशेषज्ञ, उनसे बात करेंगे। हाँ जी मैम, वेलकम। नमस्कार, थैंक यू सो मच। मैम, ये किस प्रकार के लक्षण सामने आते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आप बात करते हैं? ब्रेस्ट कैंसर के विषय में सबसे पहली बात जानने की ये है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ज्यादा हमें शुरुआत में कुछ लक्षण पता नहीं चलते, ना ही मरीज को कोई खास दिक्कत होती है और ना ही डॉक्टर को कुछ खास पता चलता है, जिस वजह से इसको नजरअंदाज किया जाता है। यदि आप लोग इसके बारे में जानेंगे, इन लक्षणों के बारे में, तो शायद आप इसका जल्दी पकड़ सकते हैं बीमारी को। कुछ लक्षण होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, जैसे कि छाती में किसी प्रकार की गांठ होना, बगल में किसी प्रकार की गांठ होना, छाती के आकार में दोनों तरफ से किसी प्रकार का साइज में बदलाव आना, एक तरफ की छाती अंदर धंसना, निप्पल का अंदर धंसना, या फिर छाती की रंगत में किसी प्रकार का बदलाव आना, जैसे लालिमा आना, या फिर एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जैसे संतरे का छिलका होता है ना, संतरे के छिलके की तरीके से स्किन हो जाती है, चमड़ी आना, या फिर किसी प्रकार का रिसाव होना निप्पल से। ये सब कुछ लक्षण हैं जिनसे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद इस मरीज को ब्रेस्ट कैंसर हो। तो जो पेशेंट आते हैं उनसे आप किस तरीके से ये पूछ पाते हैं कि आपको किस प्रकार की क्या बीमारी है, क्योंकि यहाँ खुल के महिलाएं सामने नहीं आती हैं बोलने के लिए? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक्चुअली लोक लज्जा के कारण क्या होता है कि कई हरियाणा के इस पार्ट में महिलाएं कई सालों से ब्रेस्ट की दिक्कत के लिए दवाइयां खा रही हैं, इलाज करा रही हैं, पर आज तक उन्होंने खोल के किसी को दिखाया नहीं। मेरे पास खुद कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड आते हैं और वो पूछते हैं क्या जनानी ही है एग्जामिन करने वाली, और फिर वो उनको एग्जामिनेशन कराने के लिए लेकर आते हैं मेरे पास। तो ये चीज तो बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है कि महिला लोक लज्जा के कारण अपनी इस दिक्कत को छुपाते हैं। ताऊ पर परेशानी ये है कि ये दर्द नहीं करती, तो उस वजह से ये चीज को और नजरअंदाज किया जाता है और स्टेज ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस मैं चाहती हूं कि यदि आप लोग को इस चीज की कोई भी दिक्कत है या इस तरीके की कोई भी परेशानी आती है, गांठ महसूस होती है या कुछ जो लक्षण मैंने आप लोग को बताए होते हैं, आप बेझिझक आके मेरे पास एग्जामिन करिए। यहाँ पे हमारे पास पूरा फीमेल स्टाफ है, हम पूरे प्रोटोकॉल के तरीके से फॉर्म भर के हेड टू टो पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, सारा डिटेल्ड हिस्ट्री निकालते हैं, वो भी फीमेल ही हिस्ट्री पूछती है, तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और मुझे लगता है इस तरीके से आपका हम बेहतर कर सकते हैं। किस प्रकार के लक्षण इनिशियली जो हमारे दर्शक है वो भी ये जानना चाहेंगे, किस प्रकार के लक्षणों, छाती में दर्द कई बार सांस फूलने से हो जाता है या कई बार एसिडिटी के दौरान हो जाता है, तो मतलब किस प्रकार से महिलाएं ये सोचे कि हाँ अब कुछ हमारे गड़बड़ हो रही है? सबसे पहली बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर अमूमन दर्द नहीं करता, क्योंकि ये दर्द नहीं करता, तो इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को कभी दर्द होगा या कुछ हो, पता चलेगा मुझे खून निकलने लगेगा, कैंसर के नाम से लोग सोचते हैं कि कैंसर बीमारी बहुत बड़ी होगी, हमें कुछ बहुत गंभीर सा एहसास होगा तभी वो कैंसर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि ब्रेस्ट कैंसर इसके बिल्कुल विपरीत प्रेजेंट करता है। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है, यदि उसको प्रारंभिक चरण में पकड़ लिया जाए, अर्ली स्टेज में पकड़ लिया जाए, तो मरीज का इलाज पूर्ण रूप से किया जा सकता है और वो जीवित रहता है। इसके लक्षण बहुत ही सटल हैं, जैसे एक मामूली सी गांठ होना या सिर्फ निप्पल से रिसाव हो रहा है किसी तरीके का 10-15 दिन से और हमें कोई दर्द या कुछ महसूस नहीं हो रहा, छाती में कोई गांठ महसूस हो रही है परंतु उसमें कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सिर्फ इतने माइन्यूट लक्षण हो सकते हैं, चमड़ी में रंगत में बदलाव आ गया है, सिर्फ बहुत ही सटल से माइन्यूट से लक्षण हो सकते हैं जो नजरअंदाज आसानी से हो जा सकते हैं। इसीलिए ये WHO ने ये नियम बनाया है कि जो महिला 40 वर्ष से ऊपर हो जाती है उसे प्रतिवर्ष एक बार मैमोग्राफी कराना अत्यंत आवश्यक है, चाहे उसे कोई लक्षण हो चाहे ना हो। अभी एक पेशेंट से मैंने बात की है, उनको अभी 2 दिन पहले तक वो बिल्कुल स्वस्थ थी, उन्हें किसी प्रकार की कोई फीलिंग ऐसा महसूस नहीं हो रहा था, तो एकदम से ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि एकदम से ब्रेस्ट कैंसर का उनको लक्षण महसूस हुए? हाँ,
उनके छाती में उन्हें एक गांठ महसूस हुई। अमूमन लोग कपड़े बदलते समय या नहाते समय या किसी ऐसे समय जब अपनी छाती का परीक्षण करते हैं तब उन्हें कोई गांठ महसूस हो जाती है या उन्हें कोई रिसाव सा महसूस हो जाता है। उन्हें सिर्फ हल्की सी एक गांठ महसूस हुई, उस गांठ में कोई दर्द नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी और वो बस उस गांठ के बारे में पूछताछ करने के लिए मेरे पास आए। इनफैक्ट वो किसी और मरीज को दिखाने के लिए आए थे, उन्होंने बस मुझसे सलाह ले ली कि क्या ऐसा कोई दिक्कत हो सकती है, क्या मेरे को हल्का सा कुछ महसूस हो रहा है, देख के देखो। तो उनको जब डायग्नोज किया गया तो उनमें कैंसर निकला। किस प्रकार का ट्रीटमेंट आप देते हो और कितने दिन का ट्रीटमेंट है? कैंसर का ट्रीटमेंट लगभग 3 चरण में होता है। सबसे पहला चरण होता है सर्जरी, जो कैंसर की गांठ को निकालने का होता है ट्रीटमेंट। दूसरा ट्रीटमेंट होता है कीमोथेरेपी चलती है जिसमें, और तीसरा होता है रेडिएशन। ये सारा ट्रीटमेंट लगभग 1.5 साल लेता है। सबसे पहली चीज होती है सर्जरी, सर्जरी खत्म होने के 1 से 1.5 महीने बाद कीमो शुरू होती है और उसके कीमो 6 से 8 महीना चलती है और उसके 1 महीने के पश्चात रेडिएशन होती है। तो सबसे पहले यदि मरीज को सर्जरी होनी है तो हमारे पास जब मरीज आता है तो लगभग 2 से 3 दिन के अंदर उनकी डायग्नोसिस बन जाती है। थोड़े कुछ जांचें होती हैं जिससे पता चलता है कि हाँ कैंसर कहाँ पहुंचा है, किस स्टेज का है, कितना फैल चुका है और कौन सी सर्जरी हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। लगभग 1 हफ्ते के अंदर सर्जरी हो जाती है एंड अकॉर्डिंगली फिर जैसे ही जख्म भरे कीमो स्टार्ट होती है। कुरुक्षेत्र में कहाँ कहाँ ये सेंटर है? कुरुक्षेत्र में तो मैं कहूंगी यहाँ ABC सेंटर ही है इस समय जो ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी, ब्रेस्ट रिलेटेड डिजीजेस को ट्रीट कर रहा है। कुरुक्षेत्र के अलावा मैं कहूं तो पूरे हरियाणा में कोई नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं पूरे हरियाणा में ही कई एक जगहें हैं जैसे पानीपत प्रेम हॉस्पिटल है, करनाल में अमृतधारा हॉस्पिटल है, कुरुक्षेत्र में हमारा ABC सेंटर है, अंबाला में बवेजा हॉस्पिटल और मोहाली में ग्रेशन हॉस्पिटल, यमुनानगर में स्वामी विवेकानंद, इन सभी अस्पतालों में मैं जाती हूँ और वहां कैंसर का इलाज कर रही हूँ। क्योंकि आज तक ये हो रहा था कि हरियाणा के सारे लोग जिनको ब्रेस्ट कैंसर की दिक्कत थी उनको बाहर दिल्ली या चंडीगढ़ इलाज के लिए भेज दिया जाता था, हरियाणा में इस चीज का इलाज नहीं हो रहा था। अब आपके शहर में, आपके कुरुक्षेत्र में, आपके हरियाणा में इस चीज का पूर्ण रूप से इलाज किया जा सकता है कैंसर का, आपको दिल्ली या चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पूरी इंट्रोडक्शन देना। मैं डॉक्टर सलोनी मनचंदा हूँ, मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्जन और ब्रेस्ट डिजीज एक्सपर्ट हूँ। मैंने पहले MBBS किया है और MBBS के बाद MS जनरल सर्जरी, जो हेड टू टो की सर्जरीज होती हैं सारी, जनरल सर्जरी के बाद सुपर स्पेशलाइजेशन किया है ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टी एंड रिकंस्ट्रक्शन में। ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टी रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि हम कैंसर को सर्जरी करके निकालते हैं और ब्रेस्ट को वापस रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। इस पार्ट भारत के इस हिस्से में ये चीज अभी नहीं लोगों को पता है कि यदि छाती में कैंसर है तो तब भी छाती बचाई जा सकती है। लोगों को लगता है कि यदि छाती में कैंसर है तो छाती निकाल दो उस तरफ की, छाती बचाकर भी मरीज की जान बचाई जा सकती है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी, ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी, और यहाँ के बहुत से पेशेंट्स ने ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी कराई है। आप लोग चाहें तो उनसे भी बात कराई जा सकती है। हमने बात की डॉक्टर सलोनी से यहाँ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में। मेरा आप व्यूअर से एक दरख्वास्त है कि आप पुराने उससे बाहर निकल गए हैं और ऐसे कोई भी लक्षण महसूस हो तो आप कृपया डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं। यहाँ कुरुक्षेत्र सेक्टर 7 में ABC सेंटर नाम से यहाँ एक हॉस्पिटल खुल चुका है। कमल जी सिंह, हिंद दस्तक न्यूज़, कुरुक्षेत्र।